हाय गाइस, दिस इज ईशा एंड वेलकम टू आवर करियर फाउंडेशन। आज है 21 सितंबर एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 21 सितंबर के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आयोजित होने वाला वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। अभी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, जिसका शॉर्ट फॉर्म वैभव है। उसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी करेंगे। यह जो शिखर सम्मेलन है पूरे महीने भर चलेगा। कितने दिन चलेगा? पूरे महीने भर चलेगा। चलते अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों केनरा बैंक। अभी हाल ही में केनरा बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार करने के लिए इंस्पायरिंग लीड सिस्टम 2.0 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राहक को उनकी ज़रूरतों को पूरा करवाना है, और चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण। और ग्राहक पूछताछ करने के लिए, बैंक से पूछताछ करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर या फिर मिस्ड कॉल आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जो केनरा बैंक का कैंडी मोबाइल ऐप है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न से एक प्रश्न और मिल गया आप लोगों के लिए कि कैंडी मोबाइल ऐप किस बैंक से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? केनरा बैंक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भारत के 8 तटों को सिफारिश की गई। कितने तटों की सिफारिश की गई है? 8 तटों की सिफारिश की गई है। अच्छा, वो 8 तट कौन कौन है? तो 8 तट है गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोगला, कर्नाटक का कासरकोड, कर्नाटक में पदुबिद्री बीच, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रसिकोंडा, उड़ीसा का सुनहरा समुद्र तट और अंडमान निकोबार में राधानगर समुद्र तट। ध्यान से सुनिएगा एक बार और। गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोगला, कर्नाटक का कासरकोड, कर्नाटक में पदुबिद्री बीच, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रसिकोंडा, उड़ीसा का सुनहरा समुद्र तट और अंडमान निकोबार में राधानगर समुद्र तट। अच्छा, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस आधार पर दिया जाता है? तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला सामान्य विमानन टर्मिनल सुविधा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने चार्टर उड़ानों और निजी जेट के संचालन को संभालने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली अनन सामान्य विमानन टर्मिनल सुविधा को शुरू किया है। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो इसका उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। और इस टर्मिनल में टोटल 57 पार्किंग वे है। कितने वे है? 57 पार्किंग वे है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस बैंक ने विकास लागू सुवर्णा ऋण योजना को शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने 7.25% की कम ब्याज दर के साथ विकास लागू सुवर्णा योजना को शुरू किया है। कौन सी योजना? विकास लागू सुवर्णा योजना को लॉन्च किया है। कौन सी बैंक ने? कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक ने।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 19 सितंबर। 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया, लेकिन 19 सितंबर 2020 को इस बार मनाया गया, 2020 में मनाया गया। ऐसा कुछ नहीं होता कि यह हर वर्ष 19 सितंबर को ही मनाया जाता है, यह हर वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। इस बार सितंबर का तीसरा शनिवार 19 सितंबर को पड़ा, इस कारण से 19 सितंबर को मना लिया गया। अगले बार अगर तीसरा शनिवार 18 सितंबर को पड़ेगा तो 18 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। और इस बार की जो थीम है, इस बार की थीम है एक कचरा मुक्त कोस्ट लाइन प्राप्त करना। 2020 की थीम क्या है इसकी? एक कचरा मुक्त कोस्ट लाइन प्राप्त करना। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य महासागरों में, समुद्र तटों पर और समुद्र तटों पर कूड़े के संचय और नकारात्मक प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आयुष्मान खुराना। अभी हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने आयुष्मान खुराना को अपने अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट SUV, अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये जो SUV है, अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट SUV, यह मारुति सुजुकी वितारा ब्रेजा पर बेस्ड है। और इसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा 23 सितंबर को। कब लॉन्च किया जाएगा? 23 सितंबर को। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो कुछ ऑप्शंस को भी देखते हैं। रोहित शर्मा, अभी हाल ही में बताए थे JKLC सिक्सर सीमेंट के लिए रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और सुरेश रैना को ऑनलाइन पोकर 9 स्टैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और हरभजन सिंह, आप लोगों को याद ही होगा, ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में उत्तर भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों लुधियाना। लुधियाना, उत्तर भारत के लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। 25 राज्यों ने कुत्तों के लिए ब्लड बैंक के आवेदन किया था, लेकिन दो ही जगहों पर इसकी मंजूरी मिली है कि ब्लड बैंक की स्थापना होगी। पहला तो पंजाब का लुधियाना और दूसरा चेन्नई। पहला पंजाब में और दूसरा चेन्नई में। और इसको मंजूरी किसने दिया है? तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने। और पहला कुत्तों के लिए उत्तर भारत में ब्लड बैंक स्थापित किया गया कहाँ पर? लुधियाना शहर में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ए प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक किसने लिखा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बराक ओबामा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ए प्रॉमिस लैंड, एक वादा भूमि नामक पुस्तक को लिखा है। और यह पुस्तक कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह पुस्तक 17 नवंबर 2020 को, कब? 17 नवंबर 2020 को, 17 नवंबर 2020 को पूरे 25 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, इसको प्रकाशित कौन करेगा? तो इसको प्रकाशित पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। और अब इम्पोर्टेंट बुक की बात हो रही है तो ये तीनों इम्पोर्टेंट बुक को मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करवाई थी, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अमेजन इंडिया ने ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों गुजरात में। अभी हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है। तो ये दूसरा है, तो पहला कहाँ बनाया था? तो दूसरा, पहला तमिलनाडु में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था?
तमिलनाडु में बनाया गया था। और ये दूसरा कहाँ पर बनाया गया है, तो दूसरा गुजरात में बनाया गया है। अच्छा, बात हो रही है अमेजन की, तो अमेजन के संस्थापक कौन है, तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस है। और अभी हाल ही में वो चर्चा में रहे, क्यों, क्योंकि वो जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। अब गुजरात की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी। और राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। और भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला अगर कोई राज्य है तो कौन है, गुजरात है। और अगर इसके प्रमुख उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूरे विश्व में एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व में एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात चूंकि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, इसलिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और गुजरात में जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कहलाता है, तो गुजरात में जो स्थित तट है काठियावाड़ तट, वह कच्छ के रण से दमन तक फैला है। और इस काठियावाड़ तट में कांगड़ा बंदरगाह भी स्थित है। कौन सा बंदरगाह, कांगड़ा बंदरगाह भी स्थित है, जिसका नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और गुजरात का अहमदाबाद शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। गुजरात के जो अहमदाबाद शहर है उनको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और ये भारत का पहला शहर है, पहला शहर है गुजरात का अहमदाबाद शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो ये भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और दूसरा शहर कौन है, तो जयपुर है। और अगर यहाँ के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सोमनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। हाल ही में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज 4 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, पहला 3 बुक वाला और ये। अच्छा दोस्तों, आप लोग अगर भूल गए होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी रिवीजन बाकी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अभी कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। गुजरात, गुजरात को देखकर कुछ दिमाग में याद आता है, कल मैं आप लोगों को गुजरात के बारे में कुछ बताई थी। गुजरात राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। किस योजना का, महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। चलते हैं अगले पे। इस पिक को देखकर आप लोगों को कुछ याद आता है, कल मैं आप लोगों को इस पिक को दिखलाकर कुछ बताई थी। तो अगर कुछ बताई थी जल्दी से दिमाग में लाइए। तो इस पिक को देखकर मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि क्या बताई थी। चलते हैं अगले पे। इस पिक को देखकर आप लोगों को क्या याद आता है, हाँ इस पिक को देखकर मुझे याद आ गया, थोड़ा सा वो मेरे माइंड से उतर गया, मैं देखकर बता दूंगी। डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया था, तो डेटन मार्गरेट एटवुड। ये कौन है, मार्गरेट एटवुड। इन्हें डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले पे। ICICI होम फाइनेंस बैंक, कल ICICI होम फाइनेंस के बारे में बताए थे कि ICICI होम फाइनेंस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन सुविधा को शुरू किया। अपना घर ड्रीम्स नामक होम लोन सुविधा को शुरू किया। इस पिक को देखकर आप लोगों को कुछ याद आता है, मैं प्रत्येक पिक को दिखलाने के बाद 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ। कर्नाटक, कर्नाटक राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन नामक योजना को शुरू किया था। चलते हैं अगले पर। इस पिक को देखकर कुछ याद आता है, अब ये कौन है, तो ये उदित सिंगल है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल के अंडर 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। इस पिक को आप लोगों को देखकर कुछ याद आता है, तो नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलते हैं अगले पिक। ओ पिक खत्म दोस्तों, अब ऊपर वाले को पिक को तो मैं भूल गई हूँ, कल देखकर बता दूंगी। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।